अब आपके बेटे रोहित धवन की पहली फिल्म रिलीज हो रही है देसी बॉयज. नाउ सभी की नजरें इस फिल्म पे टिकी है. हाउ आर यू फीलिंग एज अ पेरेंट, एज अ पिता आप कैसी फील कर रहे हैं? सर हर पिता जैसे फील करता है, जो बेटा जो पहले दिन नौकरी पे जाता है या उसकी नौकरी मिलती है, उसके अच्छे रिजल्ट्स कैसे हैं और एग्जाम देता है, यू नो द फादर इमोशन इज मोर लेस द सेम. बट यहाँ पे क्या है, ही इज टेकन अप माय प्रोफेशन, ही इज फॉलोड दैट. और एक बात तो मैंने उसको फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं, उसने कब किया मुझे मालूम नहीं. ही इज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड, यू नो, इज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड जो हु डज इज वर्क बट डजंट टॉक अबाउट इट. एक इंट्रोवर्ट थोड़ा नेचर है, थोड़ा लो प्रोफाइल. हाँ, लो प्रोफाइल रहता है वो, कभी आगे नहीं आएगा. बात आप पूछोगे तो जवाब देगा, उससे ज़्यादा बात कम करता है. ही वेंट अवे, वो न्यूयॉर्क पढ़ने गया. और उसको कब NYU में मुझे उसका फ़ोन आया वहाँ से कि आई हैव गॉट द एडमिशन, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. NYU जो टिश स्कूल है ना, इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ स्कूल इन फिल्म मेकिंग. ऑल द टॉप हॉलीवुड डायरेक्टर्स आर फ्रॉम देयर. ओके. वेयर ही डिड हिज ग्रेजुएशन. ओके. तो वहाँ से जब वो पास होके आया, जब मेरे पास काम करने लगा, देन ही जॉइन मी फॉर सम टाइम. एक्चुअली पार्टनर उसने ही मेरे साथ की, एंड ही रोड पार्टनर विथ मी. ओके. और सलमान को नरेट इसी ने की जाके. अच्छा. हाँ, ही नरेटेड. सलमान हंस रहा था मुझे देख के, ये टाइम हो गया डेविड तेरा बिट. आई सेड या ही वांट्स टू नरेट. एंड सलमान लाइक्स हिम अ लॉट. संजू लव्स हिम. मतलब दे ऑब्वियसली ही इज बीन ऑल ऑफ देम टुगेदर. यस. बचपन से सबके साथ रहा है. सही. तो दैट्स हाउ ही केम इनटू द पिक्चर. और इसने, इसको कब पिक्चर मिली ना, ये भी मतलब आई डोंट नो. ही स्टार्ट राइटिंग, लिखने का शौक है उसको, लिखा और उसने स्क्रिप्ट लिखी और ही टुक इट टू द एक्टर्स. द एक्टर. ओके. आपके जो दूसरे बेटे हैं वरुण धवन, यस, नाउ उनकी भी किस्मत चमक उठी है क्योंकि उन्हें करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं अपनी फिल्म में बतौर एक्टर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. क्या वे हमेशा एक्ट करना चाहते थे वरुण? वरुण का क्या था कि छोटा था, लाडला था घर का, एंड मिस्चिफ तो था ही, यू नो, बहुत. एंड बहुत ज्यादा एनर्जी थी उसे स्पोर्ट्स में, बहुत. He was very strong in sports. He's a damn good dancer. शादियों में नाचता था जैसे हमारे यहाँ families में होता था, ये करता था. शौक बहुत था. But अचानक जो होता है ना कि then actually वो Nottingham management करके आया था, graduate करके आया. तो हमने लगा कि इसको हम bank में लगा देते हैं कहीं पर, इसको jobs जो होती है आजकल अच्छी अच्छी jobs हैं. हाँ जी. So my wife sent him to a bank also के we knew someone and go and meet the chairman and all, and he went there and came back. He said, no, I don't want to do this. I said, what you want to do then? He told his mother, I don't know. He called up Karan Johar. Uski picture shuru ho rahi thi, my name is Khan. He went and met him. He said, I want to assist you. And Karan said, okay. He said, but only if you're directing it. I don't want to. And he told him, I want to become an actor basically. But to assist you, I'll see Shah Rukh, Kajol acting. So, you know, it'll get me, you know, yes, the feel of an yes actor and all. So, ये अपना कब गया जाके खुद करके. आई हैव नेवर स्पोकन टू करण अबाउट इट आल्सो. ही वेंट एंड जॉइंड करण. माय नेम इज खान. या ही डिड द फुल फिल्म. ओके. एज अ डायरेक्टर. या. तो जब उससे पहले आप कुछ एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि उन्होंने आपकी वाइफ को कहा, अपनी मम्मी को कहा. या. क्या कि मैं फिल्मों में आना चाहता हूं. या ही सेड मैं असिस्ट करूंगा, ये पिक्चर शो रही है, लेट मी डू इट एंड ऑल. तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरे को नहीं मालूम, जब हो गया तब पता चला. अच्छा. तो ये ऐड भी करके आया. ही डिड अ पेप्सी ऐड आल्सो. यस, आई नो. ही यंग. आई डिडंट नो ही वाज गोइंग टू दिल्ली. पापा, आई सेड, व्हाट हैपेंड? ही सेड, आई एम गोइंग, आई हैव गॉट द पेप्सी ऐड, दे वांट मी. आई सेड, डैम गुड यार. हम भी ऐसे ही आए ना, हमको तो कोई भी नहीं था. तो फिर ये जब करण जौहर ने, देन एज एन एक्टर, यस, एज एन एक्टर साइन किया अपनी फिल्म में. हाँ. और जो करण जौहर और शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं. या, डायरेक्ट कर रहे हैं. या. कैसे हुआ ये प्रोजेक्ट? ये भी कुछ मालूम नहीं हमको, नथिंग ऑफ दैट. एंड वन डे, मतलब ऑब्वियसली करण के, करण नोज माई वाइफ वेरी वेल ऑल्सो. यस, वी नो द मदर, इट्स लाइक अ फैमिली थिंग. एंड ही सेज दैट आई एम मेकिंग अ फिल्म एंड आई वांट वरुण टू एक्ट इन इट. तो आप शॉक हो गए होंगे. क्या बोले हम यार, मतलब. एंड देन फोटो सेशंस हुए इनके. राइट. एंड हाउ देन ही केम ऑन बोर्ड टू डायरेक्ट. एंड दैट्स इट. राइट. बट डेविड जी, कितने ताजुब की बात है, आप इस फिल्म इंडस्ट्री में इतने वेल सेटल्ड हैं. या. सब आपकी इतनी इमेंसली रिस्पेक्ट करते हैं. आपका नाम मोस्ट सक्सेसफुल नेम्स में गिना जाता है, पर आपके दोनों बेटों को आपने लॉन्च नहीं किया. सर, जैसे एक को करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं, एक को एरोस वाले, और अक्षय कुमार लॉन्च कर, उनके गॉडफादर बन चुके हैं. या. आपने क्यों नहीं किया? सर, मेरे को भी किसी ने लॉन्च नहीं किया था. आई ऑल्सो केम लाइक दैट, स्ट्रगल्ड लाइक इट. दे शुड गेट द वैल्यू, यू नो, इफ यू आर वर्थ इट यू विल गेट द वर्क. काम तभी आपको मिलेगा ना.
अगर आज आप इतना अच्छा बोलते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स है, यू आर इन अ वेरी हॉट सीट बिकॉज आप फिगर्स बात करते हो. फिगर्स गलत हो जाएंगे ना, दूसरा आदमी बोलेगा कि गलत बोल रहा है. तो जिसको नॉलेज होता है ना, उसको जगह मिल जाती है. मिल जाती है, सही बात है. बट आपने एज अ पेरेंट डेफिनेटली एक फीलिंग है कि मैं भी लॉन्च कर लूँ या कभी कुछ कर लूँ. नहीं, डेफिनेटली जैसे वरुण है ना. हाँ जी. तो वी हैव प्लान्स टू डू अ फिल्म फॉर हिम. अच्छा. आगे करेंगे हम लोग. राइट. और आई एम डाइंग टू यू नो. या ऐसा हो सकता है कि वरुण के साथ आपका जो एल्डर ब्रदर बेटा है, रोहित ही डायरेक्ट करे उसे. करेक्ट, ऐसा ही कुछ होना चाहिए. जी,